नीति आयोग की बैठक पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि नीति आयोग क्या है, एक शैक्षणिक अभ्यास के लिए पीएम मोदी ने एक बॉडी बना दी। इन्हें योजना आयोग से क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसीलिए दिक्कत हुई क्योंकि ये नेहरू के जमाने से था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सी चीजें हैं। संसदीय लोकतंत्र नेहरू की कल्पना के बगैर नहीं चलेगी। गणितीय शब्द से सच्चाई नहीं बदलती, हकीकत तब बदलेगी जब आप पहल कदम या क्या ठोस लेते हैं, और वहाँ मैं नीति आयोग को फेल मानता हूँ, तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। देखिए, आप इसमें मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेक। एपिसोडिक कोऑर्डिनेशन और ना कोऑर्डिनेशन का होना एक अलग मसला है, लेकिन मर्म में हम सब इकट्ठा। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी, इसका हासिल क्या? शून्य बटा सिफर, शून्य बटा सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं, मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी, चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें। मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है, हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं, और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं, इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए, और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। वहीं कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, कांग्रेस की शुरू से ही ये मानसिकता रही है कि उन्हें विकास कार्यों में भी राजनीति करनी है। आज विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बैठक है, नीति आयोग कोई बीजेपी का ढांचा नहीं है। कांग्रेस के शुरू से रही है कि हमको विकास में भी राजनीति करनी है। आज विकास की बैठक है, नीति आयोग किसी सरकार के खाली बीजेपी का स्ट्रक्चर नहीं है, सभी पार्टी के लोगों को राज्य और देश का विषय है, उनको इससे मतलब ही नहीं है। नीति आयोग जब बैठक करती तो हर राज्यों के विकास का मॉडल तय करती है, फेडरल स्ट्रक्चर है। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों ने भी नीति आयोग को हमेशा अपना जो रिकमेंडेशन रहा है, लेकिन क्या है कि विपक्ष में बैठ नहीं सकते, इनको बेचैनी हो गई है। आज बड़े बड़े राज्य के में सरकार है, क्या वो नहीं चाहते कि उस सरकार के माध्यम से राज्य की जनता का विकास हो? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ओछी राजनीति के लिए आ गई है, और आज उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए अब नीति आयोग की बैठक का विरोध। अरे क्यों विरोध भैया? क्या आप नहीं चाहते हो कि विकास की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे? इसका मतलब है कि आपकी मनसा विकास नहीं, आपकी मनसा केवल राजनीति करने की है, और कांग्रेस शुरू से 70 सालों तक इस देश में केवल लोगों को ठग कर सत्ता में बने रहने का प्रयास किया, कभी विकास के मुद्दों के साथ जनता के साथ नहीं खड़ी हुई। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि नीति आयोग जब भी बैठक करती है तब वो हर राज्य के विकास मॉडल को तय करती है, ये एक संघीय ढांचा है, लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो अब नीति आयोग की बैठक का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।